हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है उसका पार्ट 21 लेके आए हैं। टैन 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 टैन। और उसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज का 18वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.18। बहुत ईजी ईजी सम है दोस्तों, मजे वाले सम है। आ जाइए, क्या बोला है कि एक बिलियर्ड बॉल, अब पुल का गेम खेलो कभी, टक, हाँ, बिलियर्ड बॉल जिसका मास है 0.05 kg, उस बिलियर्ड बॉल को जब शॉट मारा जाता है तो वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाके बॉर्डर पे या सरफेस पे टकराता है। ठीक है, ठीक है, सरफेस पे टकराता है। उसके बाद दिया ऐसा है आपके क्वेश्चन में, आप बुक लेके बैठना बाजू में, कि वो वापस रिटर्न होता है सेम स्पीड से, ऐसा बोला है। रिटर्न होता है सेम स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में आया मतलब माइनस भी। हाँ, तो दोस्तों दो बातें हुई, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, टकराया उससे पहले और टकराया उसके बाद। क्या हालचाल है, क्या सीन है, हम देख लेते हैं। बिफोर कॉलिजन उसका मास था 0.05 kg और वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड। तो बिफोर कॉलिजन दोस्तों मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एम वी। ओके, हाँ एम वन वी वन लिख दो, आपको कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो ये कर देता हूँ मैं, वेक्टर रखना हो तो रखिए, कोई इशू नहीं है। मैं वैल्यू की ही बात कर रही हूँ, लास्ट में आपकी एग्जाम मतलब जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर दिया हुआ है, वो वैल्यू मांगा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। आफ्टर कॉलिजन मास तो उतना ही रहेगा बॉल का और वेलोसिटी भी उतना ही बोला है, लेकिन माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा दोस्त, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब समझे आप, मैं एम वन वी वन और एम टू वी टू के चक्कर में क्यों नहीं पड़ रहा हूँ, क्योंकि सर मास भी सेम है दोनों केसेस में और वेलोसिटी भी सेम है, तो P2 इज इक्वल्स टू माइनस एम वी खाली, है ना। ये बोलो लॉजिक क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम माइनस एम वी, और ये माइनस कंपनी का और एम वी, माइनस 2 mv, वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, m है 0.05, v है 6। तुझे याद कर लिया है, 6 newton into second, डेल्टा पी कितना आया, न्यूटन इंटू जीरो माइनस 0.6 newton into second। अब दोस्तों पूछा क्या है हमें पूछा ये है कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो, ऐसा नहीं पूछा है। एक मस्त मजे की बात बोल रहा हूँ, शांति से सुनना। मुझे ये पूछा है, आपको पता है दोस्तों, मान लो कि एक कोई फुटबॉल है, ध्यान से सुनना, हाँ एक फुटबॉल है, फुटबॉल को किक मारते हैं, जुप, फुटबॉल को किक मारा दोस्तों, आपका पैर और फुटबॉल कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहे? सर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट में रहे, है कि नहीं। आपने फुटबॉल को किक मारा खाली एक 0.1 सेकेंड के लिए, एक सेकेंड भी नहीं ना, इतना छोटे टाइम के लिए दोस्तों कांटेक्ट में रहा आपका पैर और फुटबॉल, फिर भी फुटबॉल कितना दूर जाता है दोस्तों, कितना फोर्स लगता है ना। तो दोस्तों जो टाइम है आपका पैर का और फुटबॉल का, जो कांटेक्ट टाइम है, वो टाइम इंटरवल है, वो इट इज टू शॉर्ट, और उसके कारण जो फोर्स मिला इज टू बहुत ही हाई फोर्स मिलेगा, गजब लेवल का, लेवल वाला फोर्स मिलेगा, है ना। तो शॉर्ट टाइम में ज्यादा फोर्स मिलता है। ऐसे ही आप बैट और बॉल की बात कर रहे हो, बॉल आया बैट के साथ कितने टाइम कांटेक्ट में रहा, सर बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट मारा, लेकिन फोर्स गजब लेवल का लगता है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं क्यों बोलने जा रहा हूं, अब एक चीज की बात करने वाला हूं जो इस साल आपकी थियोरी में से कट कर दिया था, इसलिए मैंने चलाया नहीं था, सुनना आराम से। तो ये बड़े फोर्स को और शॉर्ट इंटरवल टाइम को, टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई मतलब कि प्रोडक्ट कर दूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ
तो जो क्वांटिटी मुझे मिलती है उसको बोलते हैं दोस्तों इम्पल्सिव फोर्स, या तो बोलते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो मुझे आज यही फाइंड करना है, मुझे आज यही फाइंड करना है। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, एफ इतना बड़ा है कि उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, और डेल्टा डी इतना छोटा है कि उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। दोनों में चक्कर है, दोनों को अलग अलग फाइंड करो, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर आपको मिलता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो आपको आज ये सम में यही फाइंड करना है इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो सर ये तो लोचा हो जाएगा, ना एफ है मेरे पास ना डेल्टा टी है। मान ले दे भी दूँ तो तू फाइंड ही नहीं कर पाएगा। कैसे? एफ बहुत बड़ा हो जाता है, कितना भी तू प्रैक्टिकल कर ले, कुछ भी कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले, एफ बहुत बड़ा होने के कारण मेजर नहीं हो पा रहा है, और डेल्टा टी बहुत ही छोटा होने के कारण मेजर नहीं हो पा रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो दूर की बात है दोस्त। तो इसको, इस क्वांटिटी को कभी कभी फाइंड करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट लोग मजाक थोड़ी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, आप जानते हो दोस्तों सेकेंड लॉ में F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T आपने कहीं देखा था, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T आ गया। अरे 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए दोस्तों जो F डेल्टा T क्वांटिटी है, वो मान लो आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो वही इक्वल है डेल्टा P के। तो दोस्तों क्या करते हैं, क्या करते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स न फाइंड करके, इम्पल्सिव फोर्स ना फाइंड करके क्या फाइंड करते हैं, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं। जिससे तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, उसी को तो इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो लिख देते हैं दोस्तों, इम्पल्सिव फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू की बात कर रहे हैं तो प्लस में लिख दो न्यूटन इंटू सेकेंड। सर यूनिट कैसे न्यूटन इंटू सेकेंड? भाई फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, और डेल्टा पी का भी यूनिट देख ले तू, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब तो भरोसा आया तुझे, है ना? तो ये दोस्तों अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट पूरा आपके मतलब निकाल ही दिया सिलेबस में से, इसलिए मैं नहीं चला थी, एक ही ये कॉन्सेप्ट मैंने बाकी रखा था, उसका ही सम बोला है वापस सिलेबस में कि हाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 0.02 केजी का मास है और 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है। सेम क्वेश्चन वापस रिटर्न आता है 5 से ही। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। यस, मैं वेट करूँगा आपके आंसर का, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाय।